सब गाड़ियों की अपनी बात है, लेकिन फरारी भी है, चेक करें। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सारा गंद है, लेकिन सफेदी हो रही है आजकल, जो दीवार खराब थी वो ठीक कर रहे हैं। तो यार मैं जो है ना अभी ऑफिस में कर रहा हूँ, और नॉर्मली नाश्ता जो होता है ना मेरा ऑफिस में ही होता है। पहले मैं हॉस्टल में कर लिया करता था, लेकिन अब मैं ऑफिस में कर लेता हूँ, क्योंकि हॉस्टल में नाश्ता बनाना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। किचन है लेकिन हॉस्टल के अंदर, लेकिन प्रॉपर किचन नहीं है, तो इसलिए सारा सामान नीचे से लेके ऊपर थर्ड फ्लोर पर जाना पड़ता है, क्योंकि जो किचन है वो थर्ड फ्लोर पे, तो थर्ड फ्लोर पे जाना पड़ता है, इसलिए काफ़ी मुश्किल हो जाती है। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि ऑफिस के अंदर किचन भी है, अच्छा सा बना हुआ है, और वहाँ पे सादिक भी होते हैं, जो आपको नहीं पता कि कौन है, क्योंकि मैंने अभी इंट्रो नहीं किया ऑफिस का, तो वो भी बना देते हैं, तो वो काफ़ी हेल्पफुल, काफ़ी ईजी होता है। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं नाश्ता ऑफिस में कर लिया करूँ। तो यार आई जस्ट गॉट टू द ऑफिस, और रास्ते में फुटेज मैं बहुत ज़्यादा नहीं बनाता, मे बी आप लोगों ने नोटिस किया हो या ना किया हो, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा फुटेज नहीं बनाता इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइक रश होती है ना पिंडी में, ये मरी में तो मैं बना लेता होता था, क्योंकि वहाँ पर इतनी रश नहीं होती थी, इतनी गंदी तरह लोग नहीं चलाते थे, जितनी यहाँ पर बंदा चला रहा हो एकदम से साइड से गली वाला निकलता, गली में से बाइक वगैरह ढह जाकर लगता है, तो ये सही नहीं होता था मरी के अंदर। तो इस वजह से मैं यहाँ पे एहतियात करता हूँ इस चीज़ के कि मैं फुटेज ना बनाऊँ लाइक बाइक चलाते हुए। यार मैं ज़रा जो है ना ऑफिस की छत पे आया था, तो थोड़ा सा सीन चेंज हो जाए, थोड़ा सा मूड चेंज हो जाए, और एट द मोमेंट जो है ना मैं अपने नए गिम्बल के साथ शूट कर रहा हूँ, लाइक यू नो देख रहे, थोड़ा सा भी मुझे सही चलाना नहीं आता, लेकिन चेक करें कितना स्टेबल है, पाओ। तो इंशाल्लाह इस पे भी जो है ना एक वीडियो आएगी पूरी, लाइक क्या सीन है गिम्बल का, और लेकिन दिस इज़ नॉट व्हाट द वीडियो इज़ अबाउट, द वीडियो इज़ अबाउट लास्ट नाइट। तो यार काफ़ी अरसे से जो है ना कोरोना वायरस की वजह से ना मैं, आप और सारी दुनिया वाले जो है ना अपने घर के अंदर लाइक बंद होके रह गए थे, और हम वो लाइफ इंजॉय नहीं कर सक रहे थे जो हमारी नॉर्मल लाइफ है, हम बाहर जाना, लाइव म्यूज़िक सुनना, दोस्तों के साथ मिलना, घुलना, खेलना, लाइक शादियों के अंदर खुल के जाना, लाइक आराम से, ना किसी चीज़ की टेंशन हो। तो इस तरह हमें जो है ना काफ़ी अरसे से एक किस्म का भूल गया था कि हाउ डिड इट फील। तो क्योंकि अब जो है ना काफ़ी सीन नॉर्मल हो रहा है, वैक्सीन लग रही हैं लोगों को, कोरोना वायरस लाइक नीचे आ रहा है, और इतने ज़्यादा केसेस नहीं नज़र आ रहे, तो हम लोग गए सारे बॉयज़ रात को खाना खाने, और F7 में, और कोइंसिडेंस ये हुआ कि अली भाई को जो है अपना एक दोस्त नज़र आ गया वहाँ पे, उन्होंने एक कार मीटअप रखा हुआ था, एक रेस्टोरेंट इस्लामाबाद में F7 में है ब्लू के नाम से, बड़ा अच्छा उन्होंने माहौल बनाया हुआ था, लाइव डीजे आया हुआ था, बिल्कुल यस वाइब्स आ रही थी। देखिए मैं आप लोगों को बता के रहा हूँ, आप खुद देख लें। यहाँ पे लाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, इसीलिए मैं इतना कोई स्लो मोशन बना नहीं सकता, लेकिन दिस इज़ नाइस, इसी तरह देखनी पड़ेगी आपको। मुझे पता नहीं कौन सी गाड़ी है, लेकिन वो पोर्श है, ये हार्ले डेविडसन खड़ी है, ये फॉक्सी है, वो तो फरारी है, रोल्स रॉयस, वो भी किसी किस्म की, आई डोंट नो फॉक्सी होगी, ये पुरानी गाड़ी है, लेकिन ये गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, सारी गाड़ी, ये BMW, माहौल जो था ना ओवरऑल वो बहुत फिट था,
लेकिन जो गेम इस बंदे ने उठाई हुई थी ना, वो नेक्स्ट लेवल थी। तो यार ये जो है ना काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था, हम लोग यहाँ पे आए हैं लाइक ये बस जाते जाते हुए उनको कोई दोस्त मिल गया और उन्होंने देख लिया यहाँ पे। लेकिन सब कुछ इसी बारे में होता है, जो अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंसेस होते हैं ना वो बहुत फिट होते हैं। अब उन्होंने खाना खाया यहाँ से, खाना बहुत फिट था, माहौल बहुत फिट है, म्यूज़िक चल रहा है और यू नो इट्स वेरी लाइव, मज़ा आता है लाइक यहाँ पे आके। और 2020 के बाद जो हम लोगों ने घर में बैठे रहे हैं उसके बाद इस तरह की जगह पे आके, लाइव जगह पे आके जहाँ पे लाइव म्यूज़िक चल रहा है और लोग बस खुल रहे हैं, मिल रहे हैं और यू नो फन कर रहे हैं, इट्स वेरी गुड टू बी हियर। यू शुड चेक दिस प्लेस आउट, बहुत फिट जगह लाइक ए सैटरडेज़ को यहाँ पे इस तरह DJ आता है और प्ले करता है अपने सॉन्ग ये वो, लाइक इट्स वेरी गुड। तो थम्स अप फ्रॉम मी। अच्छा खास सोया हुआ था और आके हाथ दिया यार सफ़ेदी वाले बंदे ने, कोई दरवाज़ा खोले सफ़ेदी करना है हमको।